नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को पुष्पिता सिंह के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आलू के पराठे, मूली के पराठे तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए कसूरी मेथी की सुपर डिलीशियस एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। पराठे को बनाने के लिए पहले हम ले लेते हैं कसूरी मेथी। इसको अच्छे से धोकर बारीक से काट ले लेते हैं और कढ़ाई पर ऑयल डालने के बाद, ऑयल गर्म होने के बाद कसूरी मेथी को इस पर डाल देते हैं और थोड़ी देर तक हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। उसके बाद दो तीन लहसुन के दाने और एक हरी मिर्च, आप लोग चाहे तो दो तीन भी डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इस पर हम डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसको इसी तरह थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। जब इस पर थोड़ा सा पानी निकल आए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको कढ़ाई से निकालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये पराठे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। बड़े तो बड़े बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और ये देखिए, मैंने पहले से ही आटे का डू बना कर रखा था। अब इसका हम चार लुए बना लेंगे। अब हम इसको बड़ा सा गोल आकार के रोटी बना लेंगे। और ये देखिए, इसको ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और मोटा भी नहीं रखना है। और जो मैंने कसूरी मेथी का पेस्ट बनाया था वो इस पर हम लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। और ये देखिए, ये मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब हम एक साइड को उठाएंगे और दूसरे साइड पर लगा लेंगे। अब हम साइड को अच्छे से चिपका देंगे, दबा दबा के इस तरह से चिपकाना है। और चिपकाने के बाद इसके ऊपर साइड पर भी लगाना है कसूरी मेथी। अब इसको भी एक साइड से उठाकर दूसरे साइड पर इसको अच्छे से चिपकाना है। और ये देखिए, चारों तरफ इसको इसी तरह से दबा दबा कर चिपकाना है। अभी इसको बेल लेते हैं थोड़ा सा आटा डाल के। आटा डालने से रोटी बेलन पर चिपकता नहीं है। और ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और ये हमारा रोटी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन ले लेते हैं। पैन पर ऑयल डालने के बाद, ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम पराठे को इस पर डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये पराठा फूल गया है और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे पराठे बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको मज़े से खाएंगे। आप लोग भी इसे ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हो, ये बच्चे भी बहुत मज़े से खाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नया कुछ रेसिपी लेकर। तब तक के लिए आप लोग आपका ध्यान रखिएगा।